सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, वो बेस्ड है लोन ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। उम्मीद करता हूं लोन से रिलेटेड पर्टिकुलर टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस आपको आज के वीडियो में बहुत मिलेंगे। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हैं और इन दोनों चैनल से आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं मोनिका आपको। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो एक मॉक सेशन है और लोन ऑफिसर के बेस पर है, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले कि आप लोन ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल हमें अच्छे से बताइए। सर, लोन ऑफिसर के बहुत से वर्क्स होते हैं, उन्हें कंपनीज और लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है ताकि वह उन्हें एडवाइस कर सके अच्छे लोन के लिए अकॉर्डिंग उनके, ताकि वह अप्लाई कर सके। बिल्कुल। कार, होम, बिजनेस, जो प्रॉपर्टी, एजुकेशन से रिलेटेड जो लोन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहे। सर, कस्टमर की जो क्रेडिट हिस्ट्री है और कोऑपरेटिव वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण के बारे में उनकी समीक्षाएं, उनकी प्रतियां लेते रहे और जो कस्टमर है उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएं और जो एग्रीमेंट की समीक्षा करते रहे और पेमेंट शेड्यूल का ध्यान रखें। कस्टमर्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो सेल्स को बढ़ाने का कार्य होता है, रिव्यू करना फाइल्स को और अकाउंट को अपडेट करते रहना और रिस्की लोन्स है उनको रिजेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट, यू आर राइट। अच्छा, मेरे को कुछ क्वालिटीज बता सकते हैं आप कि लोन ऑफिसर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? श्योर सर, बताइए। सर, उन्हें उनके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल। उन्हें फाइनेंस और बैंकिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मल्टीपल लोन्स जैसे बिजनेस, पर्सनल लोन्स और मोर्टेज जो लोन्स हैं उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, यू मीन मॉर्गेज लोन। हाँ जी। ओके, और भी बताना चाहूंगी, बताइए। जो फाइनेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उनके बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि जो रिस्की लोन्स है उनके बारे में उनका स्ट्रिक्ट जरूर होना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि आप लोन ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, फाइनेंस फील्ड इज माय फेवरेट और मैं क्रिएटिव और इनोवेटिव गर्ल रही हूँ। okay. और मुझे इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है। सर, ये प्रोफेशन काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, स्काई इज लिमिट। okay. और जो ये इसमें काफ़ी प्रोग्रेस मिलने वाली है जो मेरी कॉम्पिटिटिव स्किल्स को बढ़ाएगा। right. और मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे और जो इसमें कार्य में निरंतर कंटिन्यूटी रहने वाली है जो हमें जंग नहीं लगने देती। सो आई एम टीम स्पिरिट और सर मैं इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट हूँ बिकॉज मैं इस जैसे कि इसमें एडवाइस करना बहुत बेस्ट है। right. इसलिए मेरा नाम मोनिका है, माई नेम मीन्स एडवाइजर, गुड एडवाइजर। ओके, सो मैं लोगों को अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। सो मुझे लगता है इस प्रोफेशन के लिए मैं परफेक्ट हूँ। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, रियली प्राउड ऑफ यू। तो अब मैं टेक्निकल राउंड के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो देखते हैं आपका नॉलेज लेवल। ओके ओके, चलिए अब मुझे आप ये बताइए, वॉट टाइप ऑफ लोन इज अ बैंक गारंटी? सर, कमर्शियल लोन। ओके, और पैकिंग क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन जनरली गिवन टू? सर, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर्स, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए भैया, मुझे आप ये बताइए कि लोन ऑफिसर्स कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़े नंबरिंग बताइए। सर, कमर्शियल लोन ऑफिसर, यस, कंज्यूमर लोन ऑफिसर, मोर्टेज लोन ऑफिसर, यस, और लोन कलेक्शन ऑफिसर, यस, एग्री, एंड लोन अंडरराइटर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आप क्रेडिट के सीज बता सकते हैं? श्योर सर, बताइए। कैपेसिटी, करेक्टर, कंडीशंस, कॉमन सेंस, यस, और कैपिटल कैपेसिटी, यस, एंड एक्सेट्रा सर। ओके, कंट्रीब्यूशन, कोलेटरल और कंट्रोल जो आपने होता है। चलिए अब आप हमें ये बताइए कि लोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? सर, लोन्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशनल लोन, टू एंड थ्री व्हीलर जो होते हैं वो, और पर्सनल अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सर, पर्सनल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज लोन। ओके, क्या ईएमआई के फुल फॉर्म बता सकते हैं? श्योर सर, बताइए। सर, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, कैन यू टेल मी द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स? श्योर सर। थ्री क्लासिफिकेशन है क्या? यस सर, बताइए। श्योर सर, अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन, यस, ओपन एंड एंड क्लोज एंड और लोन्स, हाँ जी, और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, वेरी राइट। मोनिका, व्हाट इज RESPA, रेस्पा इन मोर्गेज? सर, रियल एस्टेट सेटलमेंट प्रोसीजर एक्ट। सर, ये कानूनी तौर पर दिसंबर 1974 में आया था, बट ये इफेक्टिव हुआ था 20 जून 1975 को। बहुत अच्छा नॉलेज है भैया आपको, ठीक बेटा। मोनिका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस कैन यू नेम देम? श्योर सर, प्लीज। कन्वेंशनल मॉर्गेज, यस, गवर्नमेंट मॉर्गेज, यस, गवर्नमेंट इंश्योर्ड, हां जी, जंबो मॉर्गेज, जंबो मॉर्गेज, फिक्स्ड रेट मॉर्गेज, फिक्स्ड रेट मॉर्गेज, एडजस्टेबल लोन, एडजस्टेबल रेट, वंडरफुल। व्हाट आर द सोर्स of financing for business? Sir, equity, debt, debenture, term loans,
वेंचर फंडिंग। वेंचर फंडिंग, वंडरफुल। और बताना चाहूंगा वर्किंग कैपिटल लोन्स और लेटर ऑफ क्रेडिट और यूरो इश्यूज आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फॉर बिजनेसेस। मोनिका, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंस? सर, फोर टाइप्स इज पर्सनल फाइनेंस, यस, प्राइवेट फाइनेंस, यस, पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस, ओके ओके। एंड मोनिका, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रांग पॉइंट्स? सर, आई एम वर्सेटाइल पर्सनालिटी एंड फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी फॉर माई एडजस्टेबल नेचर। आई एम पंचुअल फॉर माई वर्क एंड सर, मैं टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं काफ़ी पंचुअल गर्ल हूँ सर। ओके, व्हाट आर द सोर्स ऑफ कैपिटल? सर, फाइनेंस कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, कैपिटल एंड कंस्ट्रक्टर एंड मैन्युफैक्चर। कंस्ट्रक्टेड और मैन्युफैक्चर, वंडरफुल। एक्सपेरिमेंटल कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल इसी में एड ऑन है, ओके? यस सर। मॉर्गेज ऑफिसर्स को कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है? सर, इनके बहुत स्कोप्स हैं, इनको बहुत से फील्ड में जॉब इजीली मिल सकती है, जैसे कमर्शियल बैंक है उनमें, क्रेडिट यूनियन में सर, फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल, और जो मॉर्गेज कंपनीज है उसमें इजीली जॉब मिल सकती है। ओके ओके। मोनिका, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस? सर, इज्यून एफ फार्मा। ओके, एंड कैन यू टेल मी द थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज? श्योर सर, प्लीज। सर, बिजनेस, सेल्स एंड कंज्यूमर। ओके ओके, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंस कंपनी। यस सर, वंडरफुल। आप हमें चार ऐसी क्वालिटीज बताइए जो एक क्रेडिट मैनेजर में जरूर होनी चाहिए। सर, फ्लेक्सिबल एंड टीम स्पिरिट। सर, फाइनेंस लिटरेसी। ओके, फ्लेक्सिबल एंड टीम स्पिरिट। यस, रिसोर्सफुलनेस। यस, एंड पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, यू मीन टू से उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। यस सर। ओके, टेल मी द सम फॉर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। श्योर सर, लाइन ऑफ क्रेडिट। यस, क्रेडिट कार्ड डेब्ट। यस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। यस, पर्सनल लोन्स, पेयर टू पेयर लैंडिंग। ओके, वंडरफुल। मोनिका, PMEZP ऑफर्स विच टाइप ऑफ लोन? सर, सब्सिडाइज लोन। ओके, वॉट डू वी कॉल अ सॉफ्ट लोन दैट इज ग्रांटेड ऑन वेरी फेवरेबल टर्म टू द बोरोइंग? सर, कंसेशनल लोन। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन अनसिक्योर्ड लोन इज यूजली हायर और लोअर than a secured loan, which one? Sir, it is higher. Okay. Monica, you have answered very well with all these technical round questions. Now I want to know about your weakness. Please, apni weakness bataiye main. Sir, main apni profession ko kafi first priority deti hoon. Okay. Aur jise main apne personal jo routine hai usko bhi bhul jati hoon. Aur main straight forward hoon, jo bhi baat hai muh par bol deti hoon. Lekin jo log mujhe jante hain, wo mujhe understand karte hain. But kuch log jo mind kar jate hain is baat ko, sir. Okay. Wonderful. Means you are straight forward. One is your drawback, you think, as if. Yes, sir. And second is you give more weightage to your professional career, जिससे yes. आपके personal work hampers होते हैं. Yes. Okay. Monica, आपके जो colleagues हैं, आपके friends हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं? Sir, वो मुझे versatile और flexible personality बताते हैं for my adjustable nature और मुझे काफी helpful और friendly nature का बताते हैं, sir. Good. काफी appreciate भी करते हैं मुझे. That's wonderful. And Monica, आपकी hobbies क्या है? सर, मेरी हॉबीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्रैवल कल्चर, नए नए कल्चर से मिलना और नए नए दोस्त बनाना और बुक्स रीडिंग करना और काफ़ी सोशल मीडिया पर अपडेट रहना है सर। मोनिका, आप टीम में वर्क करना पसंद करते हैं या अकेले अलोन? सर, आई एम टीम स्पिरिट गर्ल और सारा क्रेडिट खुद नहीं लेती, मैं शेयर करने में बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है अगर हम ग्रुप में और टीम में वर्क करते हैं तो अचीवमेंट ज़्यादा जल्दी मिलती है, बट कई बार होता है हमें अकेले भी वर्क करना पड़ता है, सो मैं श्योर निकल लूँगी सर। ओके मोनिका, मान लीजिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपने किसी को रिस्की लोन दे दिया। yes. अब वो पर्सन की जो कैपेसिटी है रिपे करने की वो बहुत कम है। अब आपको पता चलता है यार ये तो मेरे से गलती हो गई, ये मैंने पेमेंट जो दे दी, ये जो लोन दिलवा दिया, ये लोन मुझे नहीं दिलवाना चाहिए था क्योंकि इस पर्सन की पेमेंट रिपेमेंट जो कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पर वो पर्सन नेचर में अच्छा है और व्यवहारिक पर्सन है, उसकी गुडविल ठीक है। सर, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अच्छे व्यवहार के इंसान हैं तो हमें उन पर एक बार ट्रस्ट करना चाहिए। okay. सो मैं इस सिचुएशन को संभाल लूँगी और मैं काफ़ी सपोर्ट भी करूँगी सर, मुझे लगता है अगर गलती मेरी है तो सो। ओके, तो मींस आप उसको लोन को विड्रॉ नहीं करेंगे, आप उसको चलने देंगे। यस सर। आप हमें ये बताइए कि एक लोन ऑफिसर किसी पर्सन को बनना है तो उसके अंदर एक लूपहोल या एक वीकनेस कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो वीकनेस कौन सी होती है? सर, ऐसे तो बहुत वीकनेसेस हैं, लेकिन मैं सबसे आप इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि उन्हें किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ना लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, सो मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी से किसी पर बिलीव नहीं करना चाहिए,
वो काफी लॉस की बात हो सकती है उनके लिए. यस सर, दे शुड नॉट बी इजीली बिलीवेबल. यस सर. ओके मोनिका, आप किस तरीके के लोगों के साथ काम नहीं करना पसंद करते? सर मैं वैसे तो आई एम फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, मैं कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती हूँ. मैं किन्हीं भी लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी, लेकिन आप हाईलाइट पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी जो अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेजी हैं अपने टाइम. लेजी एंड लिथार्जिक लोगों को आप पसंद नहीं करते? नो सर. ओके मोनिका, आप जानते हैं कि लॉन ऑफिसर अगर आप आ रहे हैं तो आप पे बहुत प्रेशर भी होगा, क्योंकि ये जॉब भी बहुत प्रेशर वाली है. तो बीइंग अ गर्ल, और आप मैनेज कर लेंगे इस चीज को? श्योर सर, मैं प्रेशर में भी कूल एंड काम रहूंगी. ये माई लर्निंग स्टेज है. थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी. और मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव गर्ल हूँ, तो जैसे कि ये फील्ड बहुत प्रोग्रेसिव होने वाला है और इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, तो मेरे लिए थोड़ा प्रेशर होगा तो मैं कर लूँगी. अगर डे नाइट में भी वर्क करना पड़ा तो मैं श्योरली करूँगी, और कस्टमर के टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकती हूँ. सर दैट्स गुड. मान लीजिए आपके जो सीनियर है उनसे आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, ये मान लीजिए कि आपका वर्क जो हो रहा है वो आपको अननेसेसरी प्रेशर भी दे रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप कैसे मैनेज कैसे करोगे? सर जैसे कि आप जानते हैं कि हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती. okay. वैसे हमें कई बार उन लोगों के साथ भी वर्क करना पड़ते हैं जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. okay. और हो सकता है कि जैसे मैं वर्क करूंगी वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पसंद भी करेंगे. okay. और मैं सीनियर होने के नाते मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करूंगी. सो मैं उनसे, हो सकता है उनसे मुझे कुछ सीखने का ही मौका मिले. सर सैलरी डजंट मैटर फॉर मी, मनी डजेंट मैटर फॉर मी, एंड वर्क इज वर्शिप फॉर मी. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आज मोर इम्पॉर्टेंट. और जैसे मैंने आपको बताया ये काफ़ी प्रोग्रेसिव फील्ड है, इसमें मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो सो मैं मुझे नहीं लगता कि पैसे ज़्यादा मैटर करता है. वंडरफुल. अब मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, दोस्तों जो आपने हमारा वीडियो देखा तो लास्ट तक अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो लास्ट में हम आपको एक टिप जरूर देते हैं, और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों. आज के टिप में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड जस्ट नाउ फ्रॉम मोनिका, कि मोनिका आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है. देखिए दोस्तों, कल अगर आप भी लॉन ऑफिसर बनते हैं तो आपसे भी ये क्वेश्चन पुट अप होगा, तो आप कहिएगा सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट. हाउएवर आई एम श्योर दैट इफ यू मेक मी एन ऑफर इट विल बी इक्वल टू माय क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री. इसके अलावा दोस्तों यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप बोलिए सर मोर ओवर I have a job experience and a job change does include risk, therefore deserves a suitable increase. इस तरीके का आंसर दोस्तों यदि आप देते हैं, definitely you can put a better impression in the eyes of interviewers. Monica, we are really proud of you. आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छा नॉलेज दिया स्टूडेंट्स को. Keep it up. Blessings to you, Monica. Thank you, sir.